एक तरफ जहां इन दिनों नागिन 6 को लेकर काफी गर्मा गर्मी का माहौल देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नागिन 6 में नागिन शिवन्या यानी कि एक्ट्रेस मौनी रॉय को देखने की एक्साइटमेंट भी जनता में भरपूर देखी जा रही है। जी हां, जब से ये खबर सामने आई कि नागिन 6 में मौनी रॉय कैमियो रोल में नजर आ सकती हैं और शो के शुरुआती दो एपिसोड्स में नजर आएंगी, तभी से फैंस की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। वहीं अब नागिन 6 के बाद मौनी का नाम टीवी के एक और नए शो से जुड़ रहा है, जिसमें पहली बार मौनी अलग काम करती नजर आएंगी। जी हां, दरअसल जी टीवी पर जल्द ही डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर सीजन 5 दस्तक देने वाला है और खबरें हैं कि इस शो में बतौर जज के लिए मेकर्स ने मौनी रॉय को अप्रोच किया है। हालांकि अब मौनी इस शो का हिस्सा बन भी रही है या फिर नहीं, फिलहाल इस बारे में तो कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई, लेकिन वाकई मौनी इस शो में जज की कुर्सी संभालती हैं तो जनता पहली बार मौनी को किसी शो में बतौर जज देखेगी, क्योंकि अभी तक मौनी अपनी एक्टिंग या फिर होस्टिंग से ही लोगों को एंटरटेन करती आ रही थी। पहली बार ऐसा होगा जब टीवी के किसी बड़े शो में नागिन जज बनेंगी। हालांकि आपको बता दें कि मौनी के अलावा मेकर्स ने सोनाली बेंद्रे को भी अप्रोच किया है और मेकर्स सोनाली और मौनी को साथ में शो का हिस्सा बनाने के लिए काफी एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अब मौनी क्या फैसला लेती हैं इस पर जाहिर तौर पर सभी की नजरें रहेंगी, लेकिन ये खबर मौनी के फैंस को तो बड़ी खुशी देने वाली है। एक तरफ जहां मौनी नागिन 6 में धमाल मचाती नजर आएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ अगर मौनी हामी भर देती हैं तो जज की कुर्सी संभालती हुई। वेल, ये तो फैंस के लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो गई जनाब। वैसे बात की जाए जी के इस नए शो की, तो इंडियाज बेस्ट डांसर लिटिल मास्टर के ऑडिशन जल्द ही ओपन कर दिए जाएंगे और खबरें हैं कि ये नया डांस रियलिटी शो 2022 के मिड तक लॉन्च कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये है कि मौनी वाकई शो में बतौर जज नजर आती हैं या फिर नहीं। वैसे आप क्या चाहते हैं? क्या नागिन शिवन्या को इस शो का हिस्सा बनना चाहिए या फिर नहीं? बताइए अपने जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन में।